এইখিনি সময়তে অসমত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি লৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্রী সাংঘাতিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। আমি দেখা পাইছিল 24 ঘণ্টার পূর্বে খিলঞ্জীয় মুসলমান সকলের প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করে মুসলমানের জনসংখ্যা কেন হ্রাস করবেন তারপর আলোচনা করেছিল, বিভিন্ন কমিটি গঠন করেছিল। ইয়াক লৈ দেশের সর্বত্র আলোচনা হয়েছে যে অসমত এটা পপুলেশন পলিসি বা জনসংখ্যা নীতি কার্যকরী করবলে যাবলে যাওয়া হয়েছে। এইখানে সময়তে দেশের এজন আগশারীর মৌলানা এক অদ্ভুত যুক্তি আগবাইছে, তেওঁক প্রশ্ন করা হয়েছে যে অসমৰ এই নীতি সংকলনত কি কয়। কৈছে নহয়, তেওঁৰ যুক্তিমতে মুসলমান সমাজৰ মতে কুৰআনৰ মতে আল্লাহ যেতিয়া কাৰোবাক জন্ম দিয়ে তেতিয়া আল্লাহ সেই ব্যক্তিজনৰ বাবে প্রয়োজনীয় সংস্থাপন আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, গতিকে জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ কোনো প্রয়োজন নাই। কি কৈছিল সেই মৌলবীৰ ভাষ্য শুনি লওক। কানুন হে ইয়ে কুছ এসে লোগোনে তহরিক শুরু কি হে জিনকি আপনি খুদ কি শাদি নহি হে, जिन्होंने खुद शादी नहीं की है। कुछ पंडित लोग इसमें शामिल हैं, कुछ साधु लोग इसमें शामिल हैं। वो शादी तो उन्होंने की नहीं, उनको पता नहीं बच्चा क्या होता है, बच्चे से मोहब्बत क्या होती है, बच्चे का लालन पोषण क्या होता है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि देश में जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए। मैं मानता हूँ कि ठीक है, लेकिन हमारा जो बिलीव है, हमारा जो मानना है एज ए मुस्लिम, कुरान ये कहता है कि कोई भी बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है तो उसकी रोज़ी रोटी ऊपर वाला पहले दुनिया में उतार देता है। तो हम कौन होते हैं किसी को खिलाने वाले? खिलाने वाला तो ऊपर वाला है, वही सबको देता है। अभी 135 करोड़ लोग हैं देश के अंदर, क्या मोहन भागवत या आसाम के मुख्यमंत्री या योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री जी खिला रहे हैं उनको? ऐसा नहीं है। लोग, करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं, करोड़ों लोग जो है बेरोज़गार हैं, उनको कोई देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो सब सियासी रोटियां सेकने की बातें हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको याद होगा इमरजेंसी में इंदिरा जी ने बहुत सारे लोगों की नसबंदियाँ कराई थी। मेरे खुद गाँव के वाक़ात हैं कि नसबंदी के बाद भी बच्चे पैदा हुए हैं। जो इंसान दुनिया में आना है उसको कोई नहीं रोक सकता। ये सब हमारी सोच है। जैसे पहले लोग बेटियों को पैदा होने के बाद ज़मीन में गाड़ देते थे, यही वो सोच है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको कोख में मार दिया जाए, उसको पैदा न होने दिया जाए। ये घोर अपराध है।